कैसी रही मोदी जिनपिंग की मुलाकात? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय चीन दौरे का आज आखिरी दिन है। दौरे के अंतिम दिन पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ईस्ट लेक पर घूमते हुए बातचीत की। दोनों राष्ट्र अध्यक्षों ने एक दूसरे के साथ बैठकर लंबी बातचीत की। विदेश सचिव ने बताया, पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच चार दौर की बातचीत हुई है। ये बातचीत सकारात्मक रही और इससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ने आतंकवाद को लेकर भी बातचीत की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को एक बड़ा खतरा मानते हुए इसके खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्धता जताई। विदेश सचिव ने बताया कि आतंकवाद के मुद्दे पर एक सामान्य स्तर की बातचीत हुई है, जिसमें आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करने पर दोनों देश सहमत दिखे। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर भी पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने बात की। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत चीन सीमा क्षेत्र पर शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी और जिनपिंग ने निर्णय लिया कि वे अपनी सेनाओं को आपसी भरोसा पैदा करने और बातचीत मजबूत करने के निर्देश देंगे। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बातचीत संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के मसले पर भी बात हुई। इसके अलावा पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच जलवायु परिवर्तन, द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई। HCN न्यूज़ की रिपोर्ट।